तुम्हारे ही भाई को, तुम्हारे ही बहन को, तुम्हारी ही बेटी को, तुम्हारी ही माँ को किस तरह से रौंदा है पाकिस्तान ने, किस तरह से रौंदा है कबालियों ने, किस तरह से रौंदा है कश्मीरी मुस्लिमों ने। अपने घर से निकालकर दूसरे को फेंक सकते हो, और जब तुम्हारे घर पर आज हम आ गए हैं तो तुम्हें दुख हो रहा है। अब तुम पाकिस्तान पे भी फिल्म बनाओ, पाकिस्तान भी हमारा हो जाएगा। अगली फिल्म मेरी बननी है। शुरू की थी मुद्दा 370, तब उसका टाइटल था धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर। ये तब धारा लगी हुई थी, आप जानते हैं। और जब ये म्यूजिक शुरू हुआ, स्क्रिप्टिंग शुरू हुई, हमारी स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हुई थी करीब फरवरी में, और शूटिंग हमारी शुरू हो गई थी मार्च में, और मार्च एंड तक हमारा लगभग फर्स्ट शेड्यूल खत्म हो चुका था कश्मीर में। ये पता चला कि मोदी जी ने ये धारा 370 उनके मैनिफेस्टो पे लिया है। तो तब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अयोध्या अयोध्या राम मंदिर। तो किसी को नहीं पता था कि ये अचानक धारा 370 मोदी जी मैनिफेस्टो पे ले लेंगे। लेकिन हमने भी सोचा चलो ठीक है, हम फिल्म बनाते गए। फिल्म जब तक कंप्लीट हुई अगस्त में, अगस्त 5 में ये धराई हटाई गई। तो जो ये फिल्म मैंने सोची थी, इट इज़ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, माय मदर राखी जी, द प्रोड्यूसर, जो आशीर्वाद मुझे मिला वो हर जो मेन प्रोड्यूसर जो चीज़ मैंने सोची थी कि ये फिल्म मैं अगर धारा 370 बनाता हूँ तो बहुत सारा ऑपोजिशन होगा मुझे, कि कोई प्रोड्यूसर ये फिल्म बनाना चाहता ही नहीं था। हर कोई डर रहा था कि नहीं यार इसमें क्या होगा, मुस्लिम्स के बारे में क्या हो जाएगा, वो यार पंगे हो जाएंगे, ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो यार कुछ ऐसा सब्जेक्ट बताओ जिसमें ग्लैमर हो, ये हो। मैंने बोला सर मैं नहीं करना चाहता ऐसी फिल्म, कि मैंने इसे बहुत कर चुका। मैं राजेश खन्ना जी के साथ 2 फिल्में कर चुका हूँ एज ए डायरेक्टर, जो मैंने फिल्म बनाई थी वफा। तो काका जी के पास भी मैं एक साफ सुथरी फिल्म लेके गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ निशब्द जैसे बच्चन साहब और जिया खान की ऐसी कोई फिल्म लेकर आओ। तो वो भी कहानी उनकी दी गई थी, मैंने लेके गए इंतजार। जो मैं करना चाहता था वो मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे आशीर्वाद देकर, जैसे भगत सिंह पुंडीर जी, जिनसे मैं मिला और उनको मैंने जब कहानी सुनाई तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। मतलब ऐसे नहीं लगा कि प्रोड्यूसर सुनते सुनते उठ के चाय पीता है, सिगरेट पीता है, निकल जाता है, यार राकेश कुछ और बताओ। ही लिसन टू मी टोटल। आधे घंटे का मैंने नरेशन दिया एंड ही जस्ट स्टूड अप एंड सेड गो अहेड, करो वन मीटिंग। यहाँ पे तो चप्पल घिस जाते हैं डायरेक्टरों के, प्रोड्यूसरों के पास जाके, कंपनियों में जाके, कि एक फिल्म मिल जाए, अच्छी फिल्म बनाने का मौका मिले। यहाँ बरिस्ता, स्टारबक्स, चाय की दुकान पे फिल्में बन जाती भी है और रिलीज भी हो जाती है। तो ये जो मौका भंवर जी ने मुझे दिया, इट वॉज लाइक अ ब्लेसिंग। मैंने जो हकीकत का मुद्दा जो मैंने उठाया है, 1947 जो हादसे हुए, जो हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, जो 1947 से लेकर 1990 तक इतने प्रॉब्लम्स कश्मीरी पंडितों को जो झेलने पड़े हैं, उनकी बेटियों को, उनकी माओं को, उनकी बहनों को, उनके हस्बैंड्स को, उनके बेटों को लाशें बिछाई गई थी, तब कोई नहीं बोला। 1947 से लेकर 1990 तक कांग्रेस कभी नहीं बोली कि हेल्प करो, कुछ करो उनके लिए। सत्ता में थे, पावर में थे, कर सकते थे। मोदी जी ने किया तो आप क्यों नहीं कर सकते थे? मोदी जी को तो 6 साल हुए हैं, आप तो 70 साल से, 70 years of yours। Yes, I am proud of मोदी जी। और ये फिल्म जो बनी है
मेरी पूरी टीम ने जब सुना कि 5 अगस्त को धारा 370 धारा हटाई गई, माय प्रोड्यूसर वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल मी ऑन द फोन एंड सेज राकेश वी हैव डन इट एंड यस वी आर प्राउड ऑफ इट कि हमने जो शुरू किया था वो हमारी फिल्म की रिलीज होने तक खत्म हो गया. एंड दैट इज वाई आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इसमें जो सोचा था, फिल्म में जो सोचा था, जो मैंने बताया, इट्स अ लव स्टोरी, इट्स बेसिकली अ लव स्टोरी, एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की. अब तुम पाकिस्तान पे भी फिल्म बनाओ, पाकिस्तान भी हमारा हो जाएगा. अगली फिल्म मेरी बननी है पीओ पे. अगली फिल्म मेरी जो अनाउंस हम कर रहे हैं आज ऑन दिस टेबल से, अगली फिल्म जो मेरी फेब से शुरू हुई है, आई एम डूइंग पीओके. जैसे मैं 370 की है वैसे मैं पीओके भी दिखा रहा हूँ. 5 अगस्त को मेरी दूसरी फिल्म पीओके रिलीज होगी फॉर ऑल वर्ल्ड टू नो वॉट रियली हैपेंड टू इंडिया, के पाकिस्तान और कबालियों ने मिलकर किस तरह हमारा कश्मीर तोड़ा, हमारा पीओके छीना. और आज मैं बात सिर्फ मुद्दा 370 की करूंगा. ये मुद्दा 370 की वजह से ही पीओके बना और उसी की वजह से आज ये मुझे मुद्दा मिला फिल्म बनाने का. और मैं बहुत खुश हूँ और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं पहला डायरेक्टर हूँ जिन्होंने ये फिल्म बनाई है और लोगों तक मैंने पहुँचाने की कोशिश की है कि मोदी जी ने कोई गलत काम नहीं किया है. भाई फिल्म देखो, देखो तुम्हारे ही भाई को, तुम्हारे ही बहन को, तुम्हारी ही बेटी को, तुम्हारे ही माँ को किस तरह से रौंदा है पाकिस्तान ने, किस तरह से रौंदा है कबालियों ने, किस तरह से रौंदा है कश्मीरी मुस्लिमों ने. अपने घर से निकालकर दूसरे को फेंक सकते हो और जब तुम्हारे घर पर आज हम आ गए हैं तो तुम्हें दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है. ये तुम्हारा घर नहीं है, ये हिंदुस्तान का टुकड़ा है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है. सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई ब्रदर राकेश सावंत, क्योंकि देश पर हमेशा जेपी दत्ता जी ने ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं और अवार्ड लिए हैं. तो क्या इतनी बड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या एक ही डायरेक्टर इतना अच्छा है, जेपी दत्ता जी, जो सिर्फ देश पे ही फिल्में बनाएंगे, दूसरे लोग कोई सेक्स पे ही फिल्में बनाएगा? आप बताइए, आई रियली प्राउड ऑफ हिम. आप कॉफी डे पे देखिए, बरिस्ता पे देखिए, चाय के टी स्टॉल पर देखिए, या छोटे छोटे जगहों पर देखिए, हर कोई लड़की यहाँ से आएगी, वो वहाँ पे लड़का आएगा, यहाँ क्लीवेज दिखेगा, वो वहाँ गिरेगी, एक दूसरे पर गिरेंगे, चुम्मा चाटी होगी. अरे क्या ये कोई फिल्म है? आज क्या चल रहा है वेब सीरीज में? हर जगह गंदगी, हर जगह सेक्स. आई रियली प्राउड ऑफ माई प्रोड्यूसर, माई ब्रदर, पूरी मुद्दा 370 के पूरे जितने भी स्टार कास्ट है, राइटर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, की उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, साफ सुथरी. इस पूरे फिल्म में सिर्फ एक मैं छोटा सा हिस्सा हूं, मैं इस फिल्म में लॉलीपॉप हूं. जो ठरकी मौलाना होते हैं, और वो कैसे ठरकी मौलाना इस लड़की, इस हूर को जिहाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेजर को कैसे बुलाते हैं, एंटरटेन कराते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हाँ स्पेशली जिहाद के लिए, जो कश्मीर के लिए पाकिस्तानी लड़कों को या कश्मीर के लड़कों को जिनको स्कूल कॉलेज जाना चाहिए, उसके बदले उनको उनके हाथों में AK-47 जैसे या ऐसे ऐसे बॉम्ब, ह्यूमन बॉम्ब जैसे उनको ब्रेन वॉश करते हैं. उनको कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह के दरबार में जाओगे, ये हूर है, तुम नाचो गाओ और बम लगाओ, देश को उड़ा दो, वहां से प्लेन गिरा दो, ये बिल्डिंग गिरा दो, देश के लिए तुम जिहाद कर रहे हो, अपने कौम के लिए जिहाद कर रहे हो, अगर तुम मतलब ऐसा लिटरली कहते कि तुम मुसलमान नहीं अगर तुमने ये नहीं किया, अपने आप को तुम्हें जन्नत नसीब नहीं होगी. ऐसा ठरकी जो मौलाना है वो ऐसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेजेस. जो असली मौलाना है वो ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो कहेंगे बेटा पढ़ो लिखो, देश के लिए आगे बढ़ो, काम करो. सब्सक्राइब टू बिस्कुट टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन योर यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर बॉलीवुड अपडेट फ्रॉम बिस्कुट टीवी.